मैम चले। चल भाई चलते हैं, अच्छा उठ तो गई कि नहीं, 6 बजे फिर तैयार होके वापस लेट रही हूँ मैं। पूरा बेड खाट पे सोती हूँ, हम रेडी होके वापस हो जाते हैं। ये विहान का डेली का काम है सोने का इस टाइम पे। स्कूल में किस किस के बच्चे उठ जाते हैं, यहाँ खड़े हो यहाँ डेली उठाता ना हम इसको यहाँ आके। आज पेपर है ना, पेपर है इसका, अरे सो रहा है। अरे इतने छोटे बच्चों के पेपर थोड़ी होते हैं मम्मी, फर्स्ट क्लास में होते हैं। आज कपड़े पहन के सो रहा है, इसने कल मन्ना काट दी थी ना, इन्होंने बोला पेंट मत काटिए। आजा सब क्या के बेचते हो, तो कल देखो कितना हल्का सा है ये। चलो खड़े हो जाओ, चलो सुसु तो, अरे सुसु करके बैठा है मम्मी। जय माता दी पापा, जय माता दी, कैसे हो या? देखना अभी योगा करने लगे, अभी लेटे थे। है पापा क्या कर रहे, कमाल लगा मेरे पापा। ऐसे मेरे पापा योगा लवर है। पापा साल में कितनी बार घूमने योगा के लिए जाते हो बाहर, मेडिटेशन के लिए? मेडिटेशन के लिए कितनी बार बाहर जाते हो? 2 महीने में 1 बार। 2 महीने में 1 बार मेडिटेशन के लिए अलग से जाते हैं, बस मेडिटेशन करते हैं। और हम मम्मी जब वो एक्सरसाइज कराते हैं उसमें एनर्जी डाउन हो जाती है, तो पानी पीते हैं। कितने बजे उठ के? 6 से 7 योगा करते हैं। क्या खा लो माँ? मुझे घी अच्छे नहीं लगता माँ। बाय भैया, पेपर में पास हो ना। आज मेरा जब कुछ कर लिया Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah.
I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the अब सीरियसली चलना है, आज लेग्स की है, अगले पूरे दिन ऐसे लेग्स कांपेंगे. तो हम आ गए हैं देवांशी और आराध्या के घर के अंदर और मैं कर रही हूँ जिम की तैयारी और पार्लर की तैयारी और मैं हो जाऊंगी रेडी. इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, हो सके तो वीडियो शेयर करो जो जो मेरे जैसे मोटी है. हाँ मैं मोटी बोल रही हूँ क्योंकि दुनिया बोलती है. तो मैं ये कहती हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करो आप जैसे हो, बट उसमें काम करो, मॉडिफाई करो. दुनिया आपको मोटी बोलती है, उससे डिप्रेशन मत लो, उससे मोटिवेट हो. अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जैसी हूँ मुझे मैं पसंद हूँ, बट उसको इम्प्रूव करना भी उतना ही ज़रूरी है. मुझे भी अपनी बॉडी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपने आप को इम्प्रूव करना पसंद करती हूँ. आज का आपने पूरा व्लॉग देखा होगा, मेरे पूरा व्लॉग लेग्स डे का था, लेग्स के लिए. जिनमें जनरली हर बॉडी पार्ट को हर रोज अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज कराया जाता है और वेट को, जो वेट हम उठाते हैं उनको हैवी किया जाता है दिन प्रतिदिन. जैसे शुरू में बगैर वेट के करते हैं, फिर 5 किलो का वेट, फिर 7.5 का, 10 किलो का, और आज तो लेग्स के लिए मैंने 7 किलो का उठाया था. तो हर रोज ऐसे इंप्रूवमेंट करते हैं ताकि हमारी मसल्स स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथन अप हो. डेफिनेटली जिम में जाके कुछ भी नहीं करना होता है, आपको प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए होती है. तो मैं जब गाइडेंस में फॉलो कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. आप वही एक्सरसाइजेस जो मैं कर रही हूँ उनको ध्यान से देखें. हर एक्सरसाइज के 12-12 करके 3 रिपीटेशन करें, मतलब एक रिपीटेशन में 12 बार सेट करें और ऐसे 3 करें, मतलब 12, 24, 24 और 12, 36 बार करें टुकड़ों में. और देखते हैं 10 दिन के बाद मैं आपको अपना वेट दिखाऊंगी, जिसमें से 10 दिन में से अभी 3 दिन हो गए आज. 7 दिन के बाद आप लोगों के साथ अपना वेट डिस्क्लोज करूंगी कि 10 दिन में कितना वेट कम हुआ है. ये 60 डेज का चैलेंज है, 60 डेज मतलब 2 महीने. तो मैं देखती हूँ मैं अपनी बॉडी में 2 महीने में कितना चेंज लाती हूँ, क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते तो हम डाउनफॉल में जाते हैं, और जब हम कुछ करते हैं इंस्टेंट नहीं आएगा. बाई चांस मानो इंस्टेंट में साइज 0 नहीं होंगी, बट मैं डाउनफॉल में नहीं जाऊंगी. नंबर 1 बात कि मैं डिक्रीजिंग में नहीं जाऊंगी, नीचे की तरफ नहीं गिरूंगी. और नंबर 2 बात, डेफिनेटली मैं ऊपर उठूंगी क्योंकि मेहनत सबकी रंग लाती है. कमेंट करो मेरी बात समझ में आ रही है जिस को, और जिसको जो जो प्रॉब्लम है कमेंट करो वेट से रिलेटेड. मैं उस पर काम कर रही हूँ, मेरे साथ टेक्नीशियंस हैं, उन लोगों से मैं कन्फर्म करके आप लोगों के साथ कन्वे करूँगी. और जिस बॉडी पार्ट पे आपको प्रॉब्लम है वो बताना, क्योंकि मेरे तो पूरी बॉडी पार्ट पे काम हो रहा है. तो आपसे, आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड अलग से एक सेगमेंट बनाएंगे. चैनल को सब्सक्राइब करो. जय माता दी, मैं जय पालन में. बाय बाय.